नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल वेमुरी मूर्ति हिंदी टू तेलुगु स्पोकन क्लास में स्वागत है, दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अगर आपसे कोई पूछते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, या तुम क्या सोच रहे हो, या तू क्या सोच रहा है, इसी विषय में अगर हमसे कोई प्रश्न पूछते हैं, जो हम सोचते रहते हैं, जो हमारे सोचने में जो क्रियाएं होती हैं, वही को अगर हमें बोलना है तो हम किस प्रकार से बोलेंगे। दोस्तों, वही मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप कैसे लगा मुझे कमेंट में भी जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज का विषय आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं, जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और ऑल पर क्लिक जरूर करें, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपके स्क्रीन में आते रहें। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि हमारे मन में जो क्रियाएं होती हैं, जिस विषय पर हम सोचते रहते हैं, उसी विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे हमसे कोई पूछते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, इसे हम बोलेंगे मीरु एम आलोचिस्तुन्नारु, मीरु एमी आलोचिस्तुन्नारु, आप मीरु क्या एम या एमी सोच रहे हैं, आलोचिस्तुन्नारु मीरु एम आलोचिस्तुन्नारु। अगर हमसे कोई छोटा होगा, उससे हम पूछ सकते हैं, हो सकता है हमारा दोस्त हो या हमारी कोई सहेली हो, उससे भी हम इस प्रकार से पूछ सकते हैं, तुम क्या सोच रही हो या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रही हो या क्या सोच रहे हो, इसे हम बोलेंगे नुवु एमी आलोचिस्तुन्नावु, नुवु एमी आलोचिस्तुन्नावु, तुम नुवु क्या एमी या एम, एंटी भी बोल सकते हैं दोस्तों, एंटी ये चलित भाषा है, कॉमन वर्ड है, सोच रही हो या सोच रहे हो, आलोचिस्तुन्नावु नुवु एम आलोचिस्तुन्नावु या नुवु एमी आलोचिस्तुन्नावु। उस समय हम जो भी सोचते रहते हैं, उसी के बारे में हम बोलते हैं। जैसे मैं जाने की सोच रहा हूँ, मैं जाने की सोच रहा हूँ, नेनु वेल्लालनि अनुकुंटुन्नानु, नेनु वेल्लालनि अनुकुंटुन्नानु। अगर हम इसी वाक्य को थोड़ा स्पीड करेंगे तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे नेनु वेल्लालनुकुंटुन्नानु। क्या कहा दोस्तों, नेनु वेल्लालनुकुंटुन्नानु। मैं नेनु जाने की सोच रहा हूँ, वेल्लालनुकुंटुन्नानु, नेनु वेल्लालनि कुंटुन्नानु। मैं आने की सोच रहा हूँ, नेनु रावालनुकुंटुन्नानु, नेनु रावालनुकुंटुन्नानु। मैं नेनु आने की या आने के लिए सोच रहा हूँ, रावालनुकुंटुन्नानु, नेनु रावालनुकुंटुन्नानु। दोस्तों, अगर आपको जोरों की भूख लगती होगी, आप सोचते रहेंगे क्या खाऊं क्या खाऊं, आपसे पूछते हैं ना क्या सोच रहे हो, तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे मैं खाने की सोच रहा हूँ या खाने के लिए सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, नेनु तिनालनुकुंटुन्नानु, नेनु तिनालनुकुंटुन्नानु। मैं नेनु खाने की सोच रहा हूँ, खाने की सोच रहा हूँ, नेनु तिनालनुकुंटुन्नानु, तिनालनुकुंटुन्नानु, खाने की सोच रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर जाने के बारे में सोचते होंगे, तो क्या बोलेंगे, मैं बाहर जाने के लिए सोच रहा हूँ, मैं बाहर जाने के लिए सोच रहा हूँ, नेनु बैठकु वेल्लालनुकुंटुन्नानु, नेनु बैठकु वेल्लालनुकुंटुन्नानु। मैं नेनु बाहर जाने की या बाहर जाने के लिए बैठकु वेल्लालनि सोच रहा हूँ, अनुकुंटुन्नानु। अगर वाक्य को हम थोड़ा स्पीड करेंगे तो कैसे बोलेंगे, नेनु बैठकु वेल्लालनुकुंटुन्नानु, नेनु बैठकु या बैठकु वेल्लालनुकुंटुन्नानु।
दोस्तों आखिर में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आज का जो विषय होगा उसी के माध्यम से होता है। दोस्तों आप सभी को ये सब अच्छी तरह से मालूम है ही। देखते हैं मेरे सही सवाल का सही जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले मेरे प्यारे व्यूवर्स कौन देते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को और भी आगे बढ़ाते हैं। मैं कहां से जाऊं जो वही सोच रहा हूं, मैं कहां से जाऊं जो वही सोच रहा हूं, नेनु एक्कड नुंची वेल्लालो अदे आलोचिस्तुन्नानु, नेनु एक्कड नुंची वेल्लालो अदे आलोचिस्तुन्नानु। मैं नेनु कहां से जाऊं जो एक्कड नुंची वेल्लालो वही सोच रहा हूं अदे आलोचिस्तुन्नानु, नेनु एक्कड नुंची वेल्लालो अदे आलोचिस्तुन्नानु। मैं कहां बैठूं जो वही सोच रहा हूं या सोच रही हूं, मैं कहां बैठूं जो वही सोच रहा हूं या सोच रही हूं, नेनु एक्कड कूर्चोवालो अदे आलोचिस्तुन्नानु, नेनु एक्कड कूर्चोवालो अदे आलोचिस्तुन्नानु। मैं नेनु कहां बैठूं जो एक्कड कूर्चोवालो वही सोच रहा हूँ या वही सोच रही हूँ अदे आलोचिस्तुन्नानु, वही अदे सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ आलोचिस्तुन्नानु, नेनु एक्कड कूर्चोवालो अदे आलोचिस्तुन्नानु। दोस्तों मैं आप लोगों को शब्दों के हिसाब से जिस प्रकार से अर्थ होते हैं वर्ड बाय वर्ड आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए आप अच्छी तरह से अभ्यास कीजिएगा। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे ना दोस्तों आपको तेलुगु आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपकी भाषा को मैं जो तेलुगु भाषा है उसे मैं और आसान करने के लिए ही इन्हीं के माध्यम से मतलब वाक्यों को प्रयोग करके फिर उनके शब्दों को अलग अलग करके आपको मैं अर्थ बता रहा हूँ। खास आपको तेलुगु में अच्छी तरह से जानकारी होगी बोल के इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें और बिल्कुल स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो ठीक है दोस्तों मैं अभी आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ मेरा सवाल का जवाब सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कौन देते हैं। तो आज का मेरा सवाल है, मैं देने के लिए सोच रहा हूँ या रही हूँ, मैं देने के लिए सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, यही मेरा आज का सवाल है। दोस्तों आप लोग कोशिश करें कि सवाल गलत हो या सही हो दोस्तों, लेकिन कोशिश जरूर कीजिए क्योंकि मैं आपका कमेंट का जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों और देर नहीं करता हूँ, आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो जरूर मैं इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि चैनल से आपने कुछ भी सीखा है तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपके स्क्रीन में आते रहें। तो ठीक है दोस्तों मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ, आप सभी को मेरा नमस्कार।